हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अपना आईएफएससी कोड कैसे निकालते हैं। किसी भी बैंक का आप निकाल सकते हैं। जैसे गूगल ओपन करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे इस तरह से। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। तीसरा नंबर इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों, हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो आप जिस बैंक का आप निकालना चाहते हैं आईएफएससी कोड वो सेलेक्ट करेंगे। मैं पंजाब नेशनल का निकालूंगा, इसलिए मैं पंजाब नेशनल सेलेक्ट करूंगा। देखते हैं कहाँ पे वो। देखिए दोस्तों, ये रहा पंजाब नेशनल में। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो मेरा बिहार है, मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में आपको, जैसे आपको मेरा है मधुबनी, मधुबनी सेलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें आपको ऐसा होता है, जैसे आपका ब्रांच होगा ना, ब्रांच वो पीछे होगा, उसके बाद आपका स्टेट का, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। जैसे झंझारपुर बाजार, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद मधुबनी। इस पे आपको क्लिक करेंगे तो ही आप आईएफएससी कोड निकाल सकेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसे मधुबनी हम सेलेक्ट करें, देखिए मधुबनी है यहाँ पे, मधुबनी हम सेलेक्ट करेंगे तो मधुबनी में जो आसपास का ब्रांच होगा वही मिलेगा हमको, ऐसा नहीं मिलेगा। इस तरह से कन्फ्यूज होने वाला बात यह है कि जैसे कोई मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, तो मधुबनी है तो मधुबनी सेलेक्ट करेंगे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो भी है, आपका पीछे में आपका ब्रांच होगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सामने में, उसी ऑप्शन को आप चुनिएगा। जैसे आप मेरा देखिए, मेरा कहाँ गया वो देखिए, मेरा झंझारपुर बाजार, फिर कोस्ट में है डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, हम बहुत आसानी से वे आईएफएससी कोड निकाल सकेंगे इस तरह से। देखिए, उसके बाद ब्रांच, ब्रांच फिंडनी पे क्लिक करेंगे। देखिए, झंझारपुर बाजार आ गया दोस्तों इस तरह से। और क्लिक करते ही आपके पास, देखिए दोस्तों, आईएफएससी कोड आ गया, आईआरसी कोड भी आ गया, आपका एड्रेस भी है सारे जहाँ। इस तरह से आप दोस्तों किसी भी बैंक का बहुत आसानी से अपने स्मार्टफोन से किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके।